नाजरीन, हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं माहौलियात पर मबनी हमारा प्रोग्राम माहौलियात और हम, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं ऐसे मौजू से जिसका सीधा ताल्लुक हमारी और आपकी ज़िंदगी से होता है। इसी सिलसिले की कड़ी में इस हफ्ते हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ही मौजू जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो इससे मुल्क के 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी शदीद बहरान का शिकार हो सकती है और इसकी वजह बनेगी रोज़ बरोज़ बंजर होती ज़मीन। बंजर ज़मीन वो ज़मीन होती है जो पूरी तरह से सूख चुकी होती है और इसकी गहराइयों तक पानी का नामोनिशान नहीं होता है। इस ज़मीन से नबातात और ज़िंदगी का नामोनिशान पूरी तरह ख़त्म हो चुका होता है और इस पर किसी भी तरह की ज़िंदगी तकरीबन नामुमकिन होती है। ज़मीन के बंजर हो जाने के लिए कुदरती वजहों के साथ साथ हम लोग भी जिम्मेदार हैं। इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे मुल्क का तकरीबन 29.32% यानी 96.40 मिलियन हेक्टेयर रकबा डिग्रेड हो चुका है। इस 29.32% रकबे में से तकरीबन 23.5% रकबा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटका, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश का है। ज़मीन के बंजर हो जाने की वजहों में से 11% वजह पानी का कटाव है, 9% वजह पौधों का कटाव है, वहीं हवा के कटाव की वजह से 5.55% ज़मीन की पैदावार की सलाहियत मुतासिर होती है, जबकि तकरीबन 2% वजहों में से इंसानी आबादी, ज़मीन में पैदा होने वाली खारियत या नमकीनियत है। वहीं 2.7% वजहों में जंगलात की कटाई और फर्टिलाइजर्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल वगैरह शामिल हैं। हमारे मुल्क के पास पूरी दुनिया के कुल रकबे का सिर्फ 2.4% रकबा ही है, जबकि दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 18% हिस्सा हिंदुस्तान में रहता है। इसलिए ज़मीन का बंजर हो जाना या डिग्रेड हो जाना हर साल हमारी GDP को तकरीबन 2.5% तक कम कर रहा है। इसकी वजह से जहां एक तरफ फसल की पैदावार मुतासिर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग और मौसमों में बदलाव भी हो रहा है। पूरी दुनिया के मुमालिक इस मसले को लेकर काफी संजीदा हैं। इसी सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी UNCCD को 1994 में कायम किया गया, जिसका मकसद डिजर्टिफिकेशन से निपटने के लिए इकदाम करना है। 1994 से अब तक UNCCD ज़मीन के डिग्रेड हो जाने या डिजर्टिफिकेशन पर 14 कन्वेंशन कर चुका है। इस साल UNCCD COP14 कॉन्वेंशन की मेज़बानी हिंदुस्तान ने की, जिसमें 190 से ज़्यादा ममालिक के 100 से ज़्यादा वज़ीरों और 8,500 से ज़्यादा नुमाइंदों ने शिरकत की। 2 सितंबर से 13 सितंबर 2019 तक चले इस कॉन्वेंशन की सदारत मरकज़ी वज़ीर बराए माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर ने की। वहीं 9 सितंबर 2019 को इस कॉन्वेंशन में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डिजर्टिफिकेशन से लड़ने और बंजर होती ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इंडिया वुड रेज़ इट्स एम्बिशन ऑफ द टोटल एरिया
that would be restored from its land degradation status from 21 million hectares to 26 million hectares between now and 2030. This will support India's large commitment to achieve an additional carbon sink between 2.5 billion metric tons to 3 billion metric tons through tree cover. In order to further develop a scientific approach and facilitate induction of technology to land degradation issues, we have decided to set up a center for excellence in India at the Indian Council of Forestry Research and Education. This agency will actively engage to promote South-South cooperation with those who may wish to access knowledge, technology, and training of manpower to address land degradation. आइए इस मौजू पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे स्टूडियो, जहां हमारे साथ मौजूद माहिरीन UNCCD के 14वें कॉन्वेंशन पर और जमीन को बंजर होने से बचाने के तरीकों पर रोशनी डालेंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं श्रीकांत सक्सेना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माहौलियात और हम। नाज़रीन, हम लोग बातचीत कर रहे थे डेजर्टिफिकेशन के सिलसिले में, जो अभी हाल ही में एक कन्वेंशन हुआ हिंदुस्तान में, जिन्हें हिंदुस्तान ने इसकी मेज़बानी की, UNCCD, जिसे COP14 के नाम से हम सब लोग जानते हैं, उस विषय में बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, श्री योगेश गोखले जी जो टेरी से हैं, श्री डॉक्टर आरबी लाल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस से हैं, और श्री सुधीर सचदेवा साहब। हम इस बातचीत को जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। ये जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, कई बार वो हमारे इशू को ज़्यादा पेचीदा बना देती है, तो हम इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी से को इनसिग्निफिकेंट बना के, माने अगर एक राज्य में, एक देश में कोई ख़तरा है, अमेजन के जंगल में आग लग रही है अगर, तो उसका असर तो पूरे दुनिया में पड़ रहा है ना। तो इस चीज़ को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि ये देशों की से हट के, यानी देश की सीमाओं से हट के इसका, इसको लागू किया जा सके। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, और पिछले कई लगभग एक दशक से एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल लेवल पे प्रोसेस भी चल रही है। आप रियो से आप जब देखेंगे तो कई सारे कन्वेंशंस ने अपने अपने टारगेट्स बनाए, जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने आईसी टारगेट्स बनाए, उसको बोलते AICHI करके जापान में एक जगह है, उसके नाम पे उन्होंने बोला कि आईसी टारगेट्स है, और उसका उन्होंने टारगेट का ये रखा, अवधि रखा 2020 का। उससे पहले भी CBD के 2010 टारगेट्स थे, लेकिन उसके साथ साथ जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ख़त्म हुए तो एक प्रक्रिया बनी, और उस प्रक्रिया से तैयार हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसका टारगेट रहा 2030। अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो पूरे कन्वेंशन से, ये जाहिर सी बात है कि 2020 तक हम बायोडाइवर्सिटी के टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे। तो धीरे धीरे कई सारे कन्वेंशंस का मतलब है उसके जो मेंबर पार्टीज़ हैं, जैसे UNCCD के 197 मेंबर्स हैं, वो ये एक लेवल पे आए हैं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आगे रख के चलना पड़ेगा। खुद के कन्वेंशंस के गोल्स तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी नज़र है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में डेजर्टिफिकेशन के कंटेक्स्ट में गोल नंबर 15 जो था, 15 और उसका 15.3, जिसको लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को हासिल करने की जो बातें की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, उसके सामने रख के अब हर कंट्री, हर कन्वेंशन, हर स्टेक होल्डर अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसमें फिर अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी हो जाती है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर जब नीतियाँ बनती है, प्रोग्राम बनाए जाते हैं, तो उसको सिर्फ उस
राज्य उस देश के या राज्य के परिपेक्ष में नहीं देखा जाएगा, उसको अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष में, पूरी दुनिया के परिपेक्ष में देखा, धरती के परिपेक्ष में देखा जाएगा। ये इसकी बड़ी अचीवमेंट मैं मानता हूँ। जो पूरे जो ग्लोबल वसाइल हैं, ग्लोबल रिसोर्सेज हैं, उसमें अगर प्राइवेट लोगों के कंट्रोल की बात करें तो एक बहुत मिनिस्क्यूल है जो पूरे रिसोर्सेज कंट्रोल करता है। और कई बार तो जो गवर्नमेंट्स हैं उनमें नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा आपके साथ सहमत नहीं हूँ। आमतौर पे तो बहुत कम हिस्सा प्राइवेट कंट्रोल करते हैं, लेकिन थोड़े से अलग तरीके से देखा जाए कि सीड कंपनीज है, सीड कंपनीज जब फार्मर को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाती है खुद को, तो वो अल्टीमेटली लैंड को भी कंट्रोल करती है, क्योंकि उस खेत में उस फार्मर ने क्या उगाना है ये कंपनी डिसाइड कर देती है, बजाय हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच के जहाँ फ्री सिस्टम में सीड का एक्सचेंज हुआ करता था, अभी भी होता है बहुत सारे जगह पे। तो यही चीजें होती है वो नीतियाँ तय करती है। तो एक पैटर्न बदल रहा है ना। लेकिन ये पैराडाइम शिफ्ट जरूर है, लेकिन हमारे देश जैसे सिचुएशन के लिए हमें जरूरत है इंटीग्रेटेड पॉलिसी की, कि सिर्फ जैसे हमारी जो वन नीति है, जैसे देखिए वन नीति जो है वो ज्यादातर इस दायरे में बात करेगी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का दायरा है। हमारी जो नेशनल एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी है वो सिर्फ ये देखेगी कि एग्रीकल्चर के दायरे में हमारे पास क्या है और हम क्या नहीं कर सकते। लेकिन हमें इससे एक कदम आगे बढ़ना है, और वो हम जमीन पे तो हम डेमोंस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पीएम के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो वो एक प्रकार की इंटीग्रेटेड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड। आप इसमें कुछ हाईलाइट कर सकते जो सरकार की योजनाएं हैं, खास खास जैसे इन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप ये है, या और भी सॉइल हेल्थ कार्ड है, ये तमाम चीजों से, और या हेल्थ, ये क्रॉप रोटेशन की भी कोई स्कीम है सरकार? हाँ, ये भी स्कीम होती है एक्चुअली। जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे हमारे मित्र ने बताया कि स्कीम इसमें जैसे बताया कि सिनर्जी करने की बहुत ज़रूरत है, कि जैसे एक मिनिस्ट्री का अपना एक मैंडेट होता है, दूसरे का मैंडेट होता है, इसीलिए तो ये कन्वेंशन होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, इन यूएन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में आपको एक पूरा डिटेल पता चलता है, देन आप पॉलिसी बनाने में हेल्प मिलती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे 35 डिसीजन आए, तो इन डिसीजन से हमें पॉलिसी बनाना है। ये ऐसा नहीं कि डिसीजन आया तो मैं कल को इम्प्लीमेंट कर दूंगा, इनसे मुझे कुछ डिसीजन निकलेंगे जो कि मैं लाइन मिनिस्ट्रीज के साथ हम लोग बैठ के, स्टेट गवर्नमेंट के साथ बैठ के, तो उस हिसाब से हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उनके टारगेट सेट करते हैं। बाकी स्कीम्स होती हैं, स्कीम भी भारत सरकार बहुत सोच के लाती है, प्लानिंग करते हैं हम लोग, बट ये जरूरी नहीं कि हर स्कीम सफल हो। कई बार जब आप उसके पायलट प्रोजेक्ट करते हैं, पायलट प्रोजेक्ट करने के बाद कई बार हम फेल भी हो जाते हैं, पर सफलता भी मिलती है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा सर इसमें, कि जैसे यही कन्वेंशन की देन है जिससे हम अपने देश में इन्वायरमेंट और इन सब चीज़ों को बचा पाते हैं। अगर ये कन्वेंशन नहीं होते तो शायद हर देश पूरा वर्ल्ड अपनी मर्जी से चलता। हमने एटलस बनाए हैं इसरो की हेल्प से, तो हमने 2013 एक हमने 16 में एटलस बनाया है, एक हमने 2011 में बनाया एटलस, अब हम एक और एटलस बनाएंगे जिससे हम ये पता करेंगे उस टाइम हमारा स्टेटस क्या था, स्टेट वाइज बाद में क्या हुआ, हमने कितना अचीव किया, वो स्टडीज करते हैं। क्यों? चूंकि ये जो सब्जेक्ट है वो ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कुछ एक बैन कर दिया तुरंत सलूशन मिल जाएगा। गोखले जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज आ रही है ये, कि जो चूंकि हमारे पास एक इतना अचीवमेंट है इसरो के रूप में, बहुत बड़ा और बड़ा रेप्यूटेड इदारा हमारे पास में है, तो जो स्टडी है, जो डेटा कलेक्शन है, वो हमारा शायद ज्यादा एक्यूरेट होगा इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज, पर्टिकुलरली इन दिस रीजन, जो हमारा जिसको बर सगीर हम कहते हैं, या दक्षिण, ये दक्षिण एशिया है ना, इसमें जो ये पेनिनसुला है, इस पूरे में जो स्टडी है शायद हमारी एक्यूरेट होगी, उसका फ़ायदा हमको मिलना चाहिए। इजिट्सो, हमें हमारे फ़ायदा हमें भी मिलना चाहिए, और बाकी के हमारे जो आसपास के सार्क कंट्रीज हैं, सार्क कंट्रीज जैसे समझिए, इनको भी हमने देना चाहिए, हम दे देंगे मेरे ख्याल से। इसीलिए मैं जस्ट जोड़ना चाहूँगा इसमें साहब, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने साउथ साउथ कॉपरेशन में इसरो का सैटेलाइट की जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको उन देशों में देने की कोशिश की है जो जिनको ऑफर किया है, कि जो जिन देशों में इसकी जरूरत है उसको लागू कर सकते हैं। ये सदैव साहब, इसमें कुछ हमारी जो ट्रेडिशन है, भारत की परंपरा है,
उसका भी कोई योगदान है कि उस इंसान का रिश्ता कुदरत से, नेचर से, बिल्कुल बिगिनिंग से बहुत अच्छा रहा है, शुरू से रहा है, अभी भी ये जो हम इस पे फख्र कर रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान कम से कम डैमेज करता है। अब आप ये सोचिए कि ये वो देश है जहाँ पर प्रकृति की पूजा की जाती है, किसानों का देश था ये, कृषि का देश। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 60% जनता केवल और केवल इसी पर पूरी तरह से निर्भर थी। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आज हमने अपनी कृषि को भी आगे बढ़ाया है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो फोकस है अब टेक्नोलॉजी प्लस कृषि, ये दोनों आ चुका है। और अब आप ये देखेंगे, इसके खतरे भी बताइए, खतरे क्या है? देखिए, हमारे देश में जो होल्डिंग्स है, लैंड होल्डिंग्स, वो ऑलरेडी फ्रेगमेंटेड है। तो सरकार ने बहुत बड़ा बड़ा काम करने की कोशिश की कि उनको इकट्ठा कर लिया जाए ताकि फार्मिंग बड़े लेवल पर हो जाए। सरकार का कोई इस पर रूल? सरकार नीति बनाना और उसका उस प्रकार से जो फ्रेगमेंटेड या कहिए कि स्मॉल होल्डिंग्स है ना, खेत छोटे हैं, उसमें सरकार का क्या दखल अभी है? नहीं नहीं, पहाड़ों के राज्यों में देखिए, बिल्कुल पहाड़ों के राज्यों में देखिए, हिमाचल के कई सारे हिस्सों में चकबंदी हुई है। आज उत्तराखंड की जो समस्या है, मैं बताता हूँ, एक इसमें बहुत इससे बहुत जुड़ी हुई समस्या है। चकबंदी ना होने के कारण उत्तराखंड से बहुत सारा माइग्रेशन दिल्ली जैसे शहर में हुआ है। वहाँ के जो खेत की जमीन है वो बंजर होती जा रही है, लेकिन वहाँ जो रहने वाले किसान है उसकी एक नाली जमीन ऊपर पहाड़ के ऊपर होगी, दूसरी नाली उसकी दूसरी वजूहत भी तो हो सकती है। नहीं, दूसरी जमीन जमीन का टुकड़ा उसके वैली में होगा, तो वो इतनी दूरी के कारण सिर्फ उसके घर के नज़दीक वाली जमीन को ही वो उस पर ही हल चला रहा है, बाकी जमीन उसकी बंजर है। इसके बजाय यहाँ चकबंदी होती है और जमीन का कंसोलिडेशन होता है, तो उसके एफिशिएंसी बढ़ेगी। उसके बाद भी जो ये एक जनरल परसेप्शन है कि बहुत फायदे का काम, इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला, नहीं होता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप कहें कि कोई कॉरपोरेट है जो बीच में आकर अपने सीड्स दे रहे हैं, लेकिन अब इसमें मैं थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट का रोल काफी है। ये चीज इतने ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं होगी कि जी आप जो हम सीड्स देंगे वही होगा ये। और कोई भी कॉरपोरेट जब कहीं पर भी जाएगा, देखिए उसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है। आज अगर कोई कॉरपोरेट प्रॉफिट नहीं कमाती तो हम कहते हैं कॉरपोरेट बेकार है। तो कॉरपोरेटाइजेशन भी चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी चाहिए, और तभी जाके इन चीजों को आगे कर पाएंगे। मैं दोबारा एक तरीका एक जो होता है उसका है कि मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं। एक तरीका जो है वो है बेसिकली हमें लैंड का जोनेशन की जरूरत है। क्या कौन से एरिया में जमीन के कौन से हिस्से में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं सकते, क्या कर नहीं सकते, इसको डिफाइन करने के। हम प्रोग्राम को ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आप तीनों माहरीन से मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप मुतमईन हैं, आप संतुष्ट हैं जो कदम हिंदुस्तान की सरकार ने उठाए? क्या आपको लगता है कि जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं अदर देन गवर्नमेंट एजेंसीज, उनका रोल इसमें ठीक ठाक है, और या उनमें कुछ और ज़्यादा हमें प्रेशर डालने की या उनको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है? और सबसे बड़ी बात, जो आखिरी आदमी उसे मुतासिर होता है, प्रभावित होता है, वो है आम आदमी। उसके पास ना तो रिसोर्सेज होते हैं और ना ही अवेयरनेस होती है। तो ये जो कन्वेंशन हम बैन अल-अक़वामी सतह पर कर रहे हैं, ये तो यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, वो क्या उसको कुछ जगह पाएंगे, उसके भीतर कुछ अवेयरनेस पैदा कर पाएंगे? हम बिल्कुल कर पाएंगे, कुछ हद तक हम काफ़ी हद तक हम कर भी रहे, लेकिन उसमें और इन्हांसमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है। और वो इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो इंटीग्रेटेड पॉलिसी फॉर्मुलेशन से होगा, वो उस प्रकार से हम इस चीज़ को देखेंगे तो हम आखिरी कदम मैंने आखिरी आदमी तक पहुँच सकेंगे और उसका लाभ उसको भी मिल पाएगा। आप ये बताइए लाल साहब कि ये जो स्कीम्स आप बना रहे हैं मिनिस्ट्री में बैठ के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत 197 या 200 ममालिक को शामिल करने के बाद में, वो कैसे आप आखिरी गांव में लेके जाएंगे किसानों तक और उसको उस किसान को अपने साथ लेके कैसे जा पाएंगे? मैं इसका पूरा बताता हूँ क्यों फ़ायदा होगा इसमें। इस पूरे कन्वेंशन में लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की बात करते हैं हम लोग कि कैसे लैंड डिग्रेडेशन LDN जिसको बोलते हैं न्यूट्रलिटी को अचीव किया जाए। चूँकि इनके सभी एफर्ट से, इनकी पॉलिसीज से हम इस LDN को रीच इसको न्यूट्रलिटी को पहुँच इसको न्यूट्रलिटी कर पाएंगे। इसके करने से क्या होगा कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक सपना है कि फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल की जाए,
मैं तो ये कहना बताना चाहूँगा इसमें, अगर ये जो स्कीम्स है अगर हम इसको और थोड़ा सिनर्जी कर दें आपस में, तो डबल नहीं 4 times इनकम हो सकती है। इस पूरे कन्वेंशन का जो गोल गोल घूम के लास्ट में एंड में जाता है एलडीएन को अचीव करना, एलडीएन अचीव करूंगा तो जो मेरा एंड पर्सन है जो आम आदमी फार्मर या जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनकी डेफिनेटली इनकम बढ़ेगी। सचदेवा साहब, आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? एक अपने देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कोई सरकार स्कीम चलाती है तो उसके पीछे बहुत बड़ी थॉट प्रोसेस है। उस थॉट प्रोसेस को अप्लाई करने पर लास्ट माइल डिलीवरी बोलूं अगर मैं कि एंड तक ले जाने में इट ऑलवेज टेक्स टाइम। एजुकेशन देना कोई आसान बात नहीं है। आज अगर हम कहें कि किसान को हम चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अप्लाई करेगा, उस एप्लीकेशन का रिजल्ट आने में कई बार समय लग सकता है, लेकिन प्रयास पूरी तरह दिखते हैं और रिजल्ट भी ज़रूर आएगा। लेकिन कुछ चीज़ों को मैं और हाईलाइट करूँगा, जैसे कि सहारा डेजर्ट के पास जब सहल की बात करें तो वहाँ पर एक बहुत जबरदस्त एक्शन लिया गया। जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, वहां पर ग्रेट ग्रीन वॉल बनाई गई है। 8,000 किलोमीटर तक की वो एक ऐसी लाइन है जहां पर 15 किलोमीटर लगभग चौड़ाई में सिर्फ पेड़ ही पेड़ लगाए गए हैं, ताकि सहारा से आने वाले डस्ट स्टॉर्म जो है इन सवाना को जो है तकलीफ ना पहुंचाए। क्या बात है, बहुत बड़ी। अब वहीं से एक आइडिया ये आता है कि जो हमारी लैंड होल्डिंग्स है अलग अलग है, आज बहुत सारा एरिया इंडिया का भी जो है वो लैंड डिग्रेडेड हो चुका है, उसको अपग्रेड कैसे करें वो एक तय है बात, वो सीखनी है। प्लस जो ऑलरेडी हमारे पास फर्टाइल लैंड है उसको प्रोटेक्ट कैसे करें, प्रोटेक्शन के लिए भी एक सोचने की जरूरत है। अगर मैं अपने लैंड में बाड़ लगाता हूँ तो बजाय वो तार की बाड़ लगाने के पेड़ों की बाड़ लगाओ, उससे क्या होगा कि आपके आसपास की जो जमीन है वो उसको पकड़े रखेंगे, तेज हवाएं आएंगी वो आपकी फसल को बर्बाद नहीं करेंगे। सो ऑल इन ऑल ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी को एक्शन लेने की जरूरत है, अपने लेवल पर किसान को भी कुछ ना कुछ ऐसे सोचना पड़ेगा। बेशक ये अप्रोच बहुत अच्छी है, भले ही इसमें यह है कि छोटी छोटी जोत है, खेत छोटे हैं तो उसमें पेड़ों की बाड़ लगाने में शायद कुछ व्यवहारिक कठिनाई, लेकिन ये है कि हम इंटीग्रली सोचना शुरू करें और ये मान के कि ये पूरी जो जमीन है वो इंडिविजुअल से ज्यादा इस पे सबका सभी का हक है। और जहां जहां फॉर एग्जांपल हमें दिखता है जो डिजर्टेड लैंड है वहां पर बहुत तरीके हैं आपके, आप पत्थरों की जो है एरिया बनाइए जहां से अगर बारिश आती भी है, बाढ़ आती भी है, तो वो सॉइल वहां से निकल के ना जाए। आप तीनों माहिरीन इस प्रोग्राम में आए और अपनी बेशकीमती राय शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोखले साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लाल साहब आपका और सचदेवा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाजरीन, ये था डिस्कशन हमारा इस प्रोग्राम यानी माहौलियात और हम में उन मुद्दों पर जो हाल ही में हुई कन्वेंशन UNCCD, उन मुद्दों पर जो हमें रोज़मर्रा हमें मुतासिर करते हैं, प्रभावित करते हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं, ये ख्वाब हमने देखा हुआ है, हमारी सरकार ने देखा हुआ है कि हम एग्रीकल्चर को भी एड्रेस करेंगे, उसको इतना आगे बढ़ाएंगे कि किसानों की आमदनी कई गुना आगे बढ़ पाए, हम उन चीज़ों को ये इंश्योर करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो टारगेट्स हैं उनको हासिल कर पाएँ, जो कुछ वसाइल जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं कुदरत से हम उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ियों तक सौंप पाएँ। हमें उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। अगले शुमारे में किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।